हे गाइस, वेलकम टू सीजी लैपटॉप पाठशाला। मैं जेपी सर, क्या आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। मैं काफ़ी दिन से एबसेंट था, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। ठीक है, आई एम बैक। तो विल कंटिन्यू द वोकैब सीरीज़। ये आज फोर्थ लेक्चर है एंड विल डिस्कस, हम लोग फाइव अच्छे अच्छे वर्ड जो द हिंदी में आया हुआ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग थोड़ा फटाफट करेंगे चीज़ें। और आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको PDF मिल जाएगा, तो उसके बाद वीडियो ख़त्म होने के बाद मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो उसको डाउनलोड करके सेव कर लीजिए, और जब ये महीना ख़त्म हो जाए ना, तो आप पूरा उसको कंपाइल करके एक बड़ा सा PDF आप खुद बना लेना। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। तो यस, ये हमारा टाइम टेबल है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेना, और इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्लासेस में लाइव रहना आप लोग। ठीक है, तो ओके, तो फर्स्ट स्लाइड। यस, ओके, देयर इज द फर्स्ट स्लाइड। सो ओके, लेट्स टेक अप द फर्स्ट वर्ड। यस, BCG। ये आपने वर्ड काफ़ी बार सुना होगा, ये एग्जाम में आया हुआ भी है। BCG इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसका मीनिंग एक टू क्राउड, यहाँ पे ये क्राउड एज अ वर्ब यूज हो रहा है। ठीक है, एज अ वर्ब मतलब क्राउड अराउंड ऑपरेसिवली। ओके, क्राउड अराउंड ऑपरेसिवली, ये एक मिलिटरी टेक्टिक भी होता है BCG करना। ठीक है, सराउंड करना, लिखा हुआ है सराउंड एंड हैरेस। ठीक है, ये आपके इमेज से भी क्लियर है। तो क्राउड अराउंड ऑपरेसिवली इसका मीनिंग है, टू क्राउड अराउंड एंड ऑपरेसिवली, टू सराउंड एंड हैरेस मतलब घेर लेना, घेर लेना। ओके, तो इसके कुछ सिनोनिम्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है बिलीगर। बिलीगर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये आप लोग इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। मैं जब भी मैं बोलता हूँ ना, प्लीज़ इसको लिखने की कोशिश कीजिए एग्जाम इसी वीडियो के टाइम पे, 10 मिनट के अंदर। बिलीगर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सेम मीनिंग करता है BCG, मतलब टू क्राउड अराउंड, टू सराउंड, ठीक है, घेर लेना। सर्कमवेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एंड इनंडेट, इनंडेट का नॉर्मली मीनिंग होता है कि फ्लडेड, इनंडेट नॉर्मली मीनिंग करता है कि फ्लडेड, लेकिन एक्चुअल में सेम ही मीन करेगा। अगर आप सराउंड कर लोगे, हैरास करोगे, तो ऑलमोस्ट इनंडेट ये मीनिंग सेम मीनिंग करेगा। और एक वर्ड होगा एनसर्कल। एनसर्कल आप नोट कर सकते हो, जो सिनोनिम जो इसका होगा एनसर्कल। ओके, तो ये इसके सिनोनिम हो गए BCG, टू क्राउड अराउंड ऑपरेसिवली, बिलीगर सिनोनिम है, सर्कमवेंट, इनंडेट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द एंटोनिम्स। विथस्टैंड करना या फिर डिफेंड करना या तो शील्ड करना, ये पूरा ऑपोजिट हो जाएगा किसका, BCG का। मतलब कि विथस्टैंड करना, अगर घेर लिया है तो मतलब क्या होगा, वीक होगा, लेकिन हमें क्या करना है, उसको विथस्टैंड करना है हमें, और डिफेंड करना है हमें मतलब और स्ट्रांग होना है, शील्ड करना है हमें, अपने को प्रोटेक्ट करना है। तो ये एंटोनिम सारे हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो एक सेंटेंस है, ये इमेज है, तो ये एक पॉलिटिकल लीडर होगा यहाँ पे। ओके, पॉलिटिकल लीडर यहाँ पे कहीं तो होगा, तो लोगों ने उनको घेर लिया, उनको BCG किया, उनको बिलीगर किया है, उनको सर्कमवेंट, इनंडेट क्वेश्चन से इनंडेट कर रहे हैं उनको। ओके, यूसेज द कस्टमर्स हैव BCG द कंपनी विथ क्वेश्चन। ओके, हैव BCG द कंपनी विथ क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड स्लाइड, फटाफट करेंगे गाइस। ठीक है, अनलिश, ये वर्ड आपने सुना होगा, लेकिन इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है। अनलिश करना, ये वर्ड आपने सुना होगा काफी बार। टू रिलीज, टू लेट लूज, टू लूजन, ठीक है, उन्मुक्त करना। ओके, रिलीज करना, टू लेट लूज। ओके, सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, सिनोनिम्स टू लिबरेट, टू अनलॉक। लिबरेट मतलब फ्री करना अपने अपने आप को, मतलब क्या, टू रिलीज करना, वेंट। ठीक है, अब मतलब आप अपने एंगर को वेंट करते हो ना, उसको आप अनलिश करते हो, आप उसको रिलीज करते हो, तो वो सेम मीन करेगा। या फिर लूजन, ये भी हो जाएगा, लूजन ये भी हो जाएगा, एक तरह से एक सिनोनिम हो जाएगा इसका। अगेन लेट्स कम टू द एंटोनिम्स, रिस्ट्रेंट, ओके, बाइंड, कन्फाइन, मतलब आप किसी चीज को रिलीज कर रहे हो, मतलब उसको खुला छोड़ रहे हो, उसको लिबरेट कर रहे हो, तो उसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, रिस्ट्रेन करना मतलब रेस्ट्रिक्ट करना, बाइंड करना, और भी एंटोनिम्स लिख लो इसके, रेस्ट्रिक्ट, ठीक है, रेन करना, RENEIN, ओके, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स है काफी। कर्ब, एक और है कर्ब, ये जो तीन है ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, रेस्ट्रिक्ट, रेन, कर्ब, और क्या है, बाइंड, कन्फाइन लिखा हुआ है। ओके, यूसेज क्या है, ओके, ये आपको फोटो दिख गया आपको, ठीक है, सुपरमैन है ये, तो उन्होंने जो शैकल जो थे शैकल्स, उसको क्या, अनलिश किया है, पूरा खोल दिया उन्होंने, मतलब पूरा अपने आप को लिबरेट किया है, जो बंधा हुआ था अपने आपको लिबरेट किया, अपने आपको अनलिश किया, अनलॉक किया, वेंट किया है। यूसेज, टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू अनलिश ऑल योर पोटेंशियल, ऐसा ही होता है, आपको सक्सेस चाहिए तो क्या होगा, अपने आपको अपने जो पोटेंशियल है उसको अनलिश करना है, उसको रिलीज करना है। ओके, क्लियर नाउ, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वर्ड,
एनवॉय, एनवॉय ये आपने काफी बार आपने द हिंदू या फिर अखबार में आपने पढ़ा होगा, एनवॉय, एनवॉय बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड। इसका मीनिंग है अ मैसेंजर और रिप्रेजेंटेटिव स्पेशली ऑन अ डिप्लोमेटिक मिशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रतिनिधि, मतलब एक कंट्री का अगर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, अपने कंट्री को अगर मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं, जैसे हमारे से इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स, ठीक है, IFS के जो ऑफिसर्स हैं, तो उन लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उनको एनवॉय बोलते हैं, उनको डिप्लोमैट्स बोलते हैं, हम लोग उनको मैसेंजर बोलते हैं, उनको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड एनवॉय। इसके काफ़ी अच्छे वो है सिनोनिम्स इसके, तो देख लीजिए आप लोग। एमिसरी, एमिसरी इज ए इंपॉर्टेंट वर्ड, एमिसरी, ओके, एमिसरी। देन लीगेट, लीगेट ये वर्ड ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है लेकिन कभी कभार आ सकता है। डेलीगेट भी उसका हो जाएगा एक सिनोनिम, डेलीगेट, ये भी एक अच्छा वर्ड है। डेलीगेट होता है ना, हम लोग डेलीगेट भेजते हैं, बोला कंट्री से इन इन डेलीगेट ने रिप्रेजेंट किया था, तो डेलीगेट विल ऑल्सो बी ए दिस वन, इसका सिनोनिम हो जाएगा लीगेट। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, कभी ये अभी तक आया नहीं लेकिन कभी पूछ लिया तो लीगेट। एम्बेसडर, ये तो आपने काफ़ी सुना होगा, ठीक है, एम्बेसडर, ठीक है, तो ये सारे इंडियन फॉरेन सर्विस के होते हैं, हमारे जो इंडिया के जो होते हैं, ठीक है। तो एनवॉय, ए मैसेंजर और रिप्रेजेंटेटिव स्पेशली वन ऑन ए डिप्लोमेटिक मिशन, एमिसरी, लीगेट, एम्बेसडर आर द सिनोनिम्स लिस्ट। एंटोनिम्स, देखिए एंटोनिम्स हमेशा ना सिनोनिम्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए आप लोग, सिनोनिम्स आपको पता रहेगा ना तो एंटोनिम्स आप आराम से निकाल सकते हो आप, ठीक है। सिनोनिम्स जो मेन मीनिंग है वो पता होना चाहिए, क्योंकि एंटोनिम्स कभी कभार बहुत सिंपल आते हैं। एंटोनिम्स वही है रिसीवर हम लोग, या फिर मतलब नॉन रिप्रेजेंटेटिव सेंडर, ये एंटोनिम्स, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आपको एनवॉय का मीनिंग पता होना चाहिए और ये जो वर्ड्स है, एमिसरी, लीगेट, एम्बेसडर, डेलीगेट, रिप्रेजेंटेटिव, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। यूसेज वही आपको दिख रहा है यहाँ पे, व्लादिमीर पुटिन है ये, ठीक है, व्लादिमीर पुटिन, तो ये क्या है, रशिया के प्रेसिडेंट है, तो ये जो बंदा है ही इज कॉल्ड एनवॉय, ठीक है, ये एनवॉय है जो प्रेसिडेंट को मिलता है, कोई कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये। तो यूसेज में भी हम लोगों ने लिया हुआ है, द प्रेसिडेंट सेंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एज इज पर्सनल एनवॉय, एनवॉय टू गेन द सपोर्ट ऑफ द कंट्रीज अलाइज, यही करते हैं हम लोग, जो प्रेसिडेंट होता है वो या फिर प्राइम मिनिस्टर, वो अपने जो मतलब यहाँ पे तो पर्सनल है, अपने एनवॉय के भेजते हैं, मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, अपने एमिसरी, लीगेट, एम्बेसडर, डेलीगेट को भेजते हैं, ठीक है, ये सेंटेंस है, इसका यूसेज आप देख लीजिए। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वर्ड, ब्लिट्सक्रिग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ब्लिट्सक्रिग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ब्लिट्सक्रिग, ये एक्चुअली जर्मन वर्ड है ब्लिट्सक्रिग, इसका आपका स्पेलिंग एरर भी आ सकता है, KRIEG है, अगर EI कर दिया तो गलत हो जाएगा, ओके, तो इसका कभी कभार मीनिंग मतलब स्पेलिंग एरर भी आता है कभी कभार, ओके। इसका मीनिंग है वर्क कंडक्टेड विथ ग्रेट स्पीड एंड फोर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक वॉर है या फिर कोई अटैक है वो लेकिन बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली, बहुत विथ ग्रेट स्पीड एंड फोर्स, बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लिट्सक्रिग। वो ये बम वर्षा, फौजी हमला, मतलब उसमें बमबारी हुई, ठीक है, जो मिलिट्री है उन्होंने हमला कर दिया, अटैक कर दिया, ओके। तो इसके सिनोनिम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए आप लोग, ब्लिट्सक्रिग जो है ऑनस्लॉट, ठीक है, ऑनस्लॉट अच्छा सिनोनिम है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। असॉल्ट, असॉल्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको शायद मीनिंग पता होगा इसका। कूप दी मेन, कूप नहीं बोलते इसको, कू बोलते, कू इसको प्रोनाउंस करते हैं ऐसे, ऐसे करना प्रोनाउंस, कू, कू नॉट कूप, कू दी मेन, ओके, फ्रेंच वर्ड है बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गए इसके सिनोनिम्स हो गए, और कुछ सिनोनिम्स आप लोग लिख सकते हो आप लोग, जैसे एक एक वर्ड है देखना आप, काफ़ी अखबार में आता रहता, ऑफेंसिव, ठीक है, द इंडियन आर्मी लॉन्च ऑफेंसिव अगेंस्ट पाकिस्तानी आर्मी, तो वो क्या है, एक तरह से ब्लिट्सक्रिग की तरह हम लोग मान सकते हैं इसको, ऑफेंसिव या फिर एग्रेशन, एग्रेशन मतलब एक सिनोनिम है लेकिन प्रॉपर अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन थोड़ा रिजेंबल करता है ये सिनोनिम्स, ओके, या फिर रेड, ठीक है, या फिर अटैक, ऐसे ऐसे मान लो आप, ऑफेंसिव, एग्रेशन, रेड, ओके। तो चलिए एंटोनिम्स के बारे में वही होगा, अगर मतलब अटैक है तो क्या होगा, वॉर कंडक्टेड विद ग्रेट स्पीड एंड फोर्स, या फिर एक मिलिट्री अटैक जो कि ग्रेट स्पीड और फोर्स से कंडक्ट किया जाता है उसको कहते हैं हम लोग ब्लिट्सक्रिग। एंटोनिम्स भी उसके ऐसे होंगे, डिफेंस, ठीक है, अटैक अगर है, फास्ट अटैक है तो उसका डिफेंस एंटोनिम हो जाएगा, अगेन प्रोटेक्शन, ठीक है, रिट्रीट, रिट्रीट वो भी मतलब एक तरह से भाग जाना होता है एक्चुअली, मतलब पोजिशन को बैक मतलब पीछे आ गए उन लोग, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल रिट्रीट। इमेज है, देखिए टैंक्स वगैरह है, ठीक है, इट्स अ ब्लिट्सक्रिग, क्योंकि इतने सारे एरिया में और फास्ट अटैक हो रहा है विद ग्रेट आर्टिलरी, विद ग्रेट वेपन्स, ठीक है, दैट इज अ ब्लिट्सक्रिग। द वॉर बिगन विद अ ब्लिट्सक्रिग दैट वॉज एम टू शॉक द एनिमी इन टू सबमिशन, ठीक है, जैसे कि जब हम लोग एकदम सरप्राइज अटैक करते हैं ना, ठीक है, तो उसको हम लोग एक तरह से ब्लिट्सक्रिग कहते हैं, ताकि ऑपोजिशन को जो आर्मी है
सॉरी हमारा जो एनिमी है उनको पता ही नहीं लगा कब अटैक कर दिया, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ ब्लिट्जक्रीग, ठीक है, ओके। द वॉर बिगन विद अ ब्लिट्जक्रीग दैट वॉज एम टू शॉक द एनिमी इनटू सबमिशन, ओके। ऐसे अटैक किया कि उन लोगों ने सरेंडर करे, सबमिशन मतलब होता है कि सरेंडर एक तरह से, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट स्लाइड, ओके। एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन ये आपने वर्ड सुना होगा, लोग काफी इसको गलत भी करते हैं, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, नाउन है एक बेसिकली, ठीक है। एप्रीहेंशन अगर नाउन है, अगर आप एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव भी आपने काफी सुना, एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव इसका एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव, एप्रीहेंसिव इसका मतलब होता है कि फियरफुल, वही मीनिंग क्या है यहाँ पे, ओके। मतलब दो मीनिंग है यहाँ पे, या तो पावर ऑफ कंप्रीहेंडिंग, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पावर ऑफ परसेप्शन, एप्रीहेंशन का मतलब, या फिर फियर, फियर भी होता है स्पेशल ऑफ फ्यूचर इविल, फ्यूचर इविल इवेंट्स के लिए, तो उसको कहते हैं या तो बोध शक्ति, मतलब क्या है कि पावर ऑफ कॉम्प्रीहेंडिंग और अंडरस्टैंडिंग, या फिर शंका, ओके। एप्रीहेंशन का मतलब है, उसके सिनोनिम्स काफी इंपॉर्टेंट है, फोरबोडिंग, फोरबोडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रीमोनिशन, परसेप्शन, परसेप्शन इसके अंडरस्टैंडिंग वाले मीनिंग से आ रहा है, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एप्रीहेंशन का मतलब होता है पावर ऑफ परसेप्शन भी होता है, ओके, ठीक है। एप्रीहेंशन तो आप इसको और भी आप लिख सकते हो, कंसर्न लिख सकते हो आप, कंसर्न, ठीक है, और सिनोनिम जो है कंसर्न यू कैन राइट डाउन, या फिर ट्रेपिडेशन एक अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। फियर वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वही आपको पता होगा सर, ट्रेपिडेशन इसको लिख ले, कंसर्न, ट्रेपिडेशन, ओके। फोटो से आपको पता लग रहा होगा कि एप्रीहेंसिव हो गया काफ़ी, तो इसके एंटोनिम देख लीजिए, कामनेस, ठीक है, अगर वो फियर, फियरफुल है तो कामनेस विल बी द ऑपोजिट वर्ड, कामनेस, ओके। ईज, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है पीस, पीस, ट्रैंक्विलिटी, पीस, ठीक है, पीस, ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, ट्रैंक्विल का मतलब होता है पीसफुल, एडजेक्टिव हो गया ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। यूसेज क्या होगा, द स्टूडेंट लुक्ड अराउंड द एग्जामिनेशन रूम विथ एप्रीहेंशन, ये हो रहा है, पेपर टफ हो गया काफी, तो ही लुक द अराउंड द एग्जामिनेशन रूम विथ एप्रीहेंशन, काफी फियरफुल है फ्यूचर क्या होगा, फेल होगा वो, ठीक है, तो ही वॉज एप्रीहेंसिव और उसको क्या हो रहा है, एप्रीहेंशन हो रहा है, ओके। तो ये पांच वर्ड थे गाइस, ठीक है, ऐसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा, फाइव वर्ड्स रहेंगे लेकिन एंटोनिम सिनोनिम्स मिला के, मतलब इट मतलब इंक्रीजेस, इट बिकम्स मोर देन 40 वर्ड्स, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए आप लोग, मेहनत करते रहिए और वोकैब अपना इंप्रूव करते रहिए। पीडीएफ आपको डाउनलोड लिंक पे मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, ओके, और मेहनत करते रहिए, वर्ड्स को ऐसे रिमेंबर कीजिए, उसको लर्न कीजिए, फोटोज से रिलेट करने की कोशिश कीजिए, इसको निमोनिक्स की तरह कर लीजिए, ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, और अच्छे वर्ड्स लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, ओके।